नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग वाले मामलों की सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बोपन्ना की एक पीठ पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग कर एक्टिविस्ट, पत्रकारों, राजनेताओं और नेताओं की जासूसी की रिपोर्टों की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच या न्यायिक जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 81 वर्षीय पीवी वरवर राव की मेडिकल आधार पर जमानत बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी रिपोर्ट में कोई बड़ी बीमारी का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए जमानत की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी ने कहा कि वो कई न्यूरोलॉजिकल और उम्र से संबंधित अन्य बीमारियों से पीड़ित है। उन्होंने 22 फरवरी 2021 के मेडिकल के आधार पर जमानत को दी गई और उन पर लगाई गई कई शर्तों में से एक विशेष एनआईए कोर्ट मुंबई के अधिकार क्षेत्र में रहना था, लेकिन वह हैदराबाद में अपने घर पर रहने की अनुमति देने के लिए जमानत की शर्तों में संशोधन की भी मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, ये एक ऐसा मामला है जहां भूमि के बड़े हिस्से को खरीदा गया है और साथ ही कुछ भूमि धारकों से संबंधित है। इसके बावजूद गांव सभा पर एक पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री द्वारा एक अधिनियम के अनुसार एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए वर्ष 2005 में अतिक्रमण किया गया है। अनिवार्य रूप से उक्त कार्यवाही यूपी की धारा 104-105 के तहत राजस्व संहिता 2006 यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि ट्रस्ट द्वारा भूमि का हस्तांतरण यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध की धारा 157A से प्रभावित है। इसलिए भी कि राज्य द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन खान के ट्रस्ट द्वारा किया गया। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी महिला वकील द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे अधिवक्ता के रूप में संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति शिरसी वी ने अपनी दलीलों के माध्यम से आवेदक के वकील को बीच में ही रोकते हुए टिप्पणी की, उसे वकील मत कहो, वो वकील नहीं है, अपने सबमिशन में उस शब्द का प्रयोग न करे। ये विकास उस मामले में हुआ जहां सेसी जेवियर नाम की एक महिला ने आवश्यक योग्यता के बिना एक वकील के रूप में खुद को पेश किया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी वकील को दिए गए निर्देशों में उपरोक्त याचिका से इनकार नहीं किया गया और न ही निर्देशों के साथ ऐसी कोई सामग्री संलग्न की गई जो ये दर्शाए कि कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को दिया गया हो। इसलिए न्यायालय ने माना कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को नोटिस और सुनवाई के अवसर के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए प्रतिवादियों को स्वतंत्रता दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रामपुर से सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ट्रस्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा यूपी सरकार द्वारा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। ट्रस्ट उन शर्तों में से कुछ शर्तों का पालन करने में विफल रहा जिन पर उसे वर्ष 2005 में जमीन दी गई थी। कोर्ट ने माना कि एडीएम प्रशासन रामपुर यूपी सरकार में विश्वविद्यालय की भूमि निहित करने के लिए यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 104-105 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में नासिर को जमानत दी, जिसने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख दिया था। हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा सह आरोपी फुरकान को दी गई जमानत की समानता के आधार पर जमानत दी गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पाया
कि नासिर की भूमिका सह आरोपी फुरकान की भूमिका के समान थी, जिसे पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी 60/2020 PS दयालपुर में जमानत दी। केंद्र सरकार ने JS पन्नू को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जब तक कि नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। नियुक्ति 6 सितंबर 2021 की पूर्वान्न से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी है। अध्यक्ष पद के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित है: एक उच्च न्यायालय के बैठे या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जिन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कम से कम 7 साल की सेवा पूरी की हो। पन्नू ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ITAT में लेखा का सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले उन्होंने 1986 से 2000 तक नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस किए। गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति PP भट्ट, जो 4 अक्टूबर 2018 से अध्यक्ष थे, 3 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक समाचार चैनल पर रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करते हुए की गई टिप्पणी के लिए उर्दू कवि मुनव्वर राना के खिलाफ 10 प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने कहा, याचिकाकर्ता द्वारा महर्षि वाल्मीकि का तालिबान के साथ अनादरपूर्ण तरीके से और बिना किसी आधार के अनावश्यक तुलना करने से बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ED की जांच CBI द्वारा जनवरी 2019 में दर्ज एक मामले पर आधारित है। इसमें जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की 5 फर्मों को लगभग 1,557 करोड़ रुपए के 6 उच्च मूल्य के ऋणों के अनुदान में कथित अनियमितताएं दर्ज की गई हैं। अपनी शिकायत में ईडी ने मंजूरी समिति के नियमों और नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा कि इन ऋणों को बाद में गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में कहा गया, इसके परिणाम स्वरूप ICICI बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ और 26 अप्रैल 2012 में उधारकर्ताओं और आरोपी व्यक्तियों को गलत लाभ हुआ। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने कथित ICICI बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने खिलाफ ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। CRPC की धारा 482 के तहत एक याचिका में कोचर ने अपने खिलाफ 1 जनवरी 2021 को अभियोजन शिकायत आरोप पत्र के बराबर का संज्ञान लेते हुए विशेष PMLA अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इकरार हुसैन नाम के एक व्यक्ति का प्राप्त खुदरा विक्रेता लाइसेंस रद्द कर दिया था, जबकि ये लाइसेंस 21 जनवरी 2022 तक वैध था। लाइसेंस रद्द करने का आधार ये था कि याचिकाकर्ता खुदरा विक्रेता हुसैन भैंस का मांस बेचने का व्यवसाय करता है, जिससे एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय TV के साथ। नमस्कार।